कितना मजा आता है इस गेम में। होशियार हो जाओ खबरदार, हड्डी का गेम फिर शुरू होने वाला है। हड्डी क्या कर रहे हो, कुछ मजेदार गेम बताओ। मेरा वाला गेम खेलो तो व्हाई नॉट। बकवास बंद कर, हम चाहते हैं तुम अपने हथियार से हमारे लिए कोई जादुई गेम बनाओ, समझ गए? हाँ, बहुत ही खतरनाक गेम। बहुत दिनों से द यूनिवर्स की सैर नहीं की हमने, व्हाई द नॉट कहीं चलें? फटाफट हाथ चलाओ। द ओके द वन मिनट देश है दुनिया की सबसे ठंडी द कूल जगह द एवरेस्ट द माउंटेन। ये क्या, मेरे हथियार की धार फीकी पड़ गई है शायद, बहुत दिनों से तेज नहीं की है। दैट्स द वाई दुनिया की सबसे ठंडी जगह में पसीना आ गया। तुम गलत जगह आ गए हो। अरे कहाँ भागता है हड्डी, तुम्हारा घटिया हथियार फेंक दो। शट द अप, मेरा घटिया हथियार मेरा हथियार घटिया नहीं है। घटिया है? नहीं है। घटिया है? नहीं है। घटिया है? इसे अभी तेज करके आता हूँ मैं, फिर तुम्हारी चड्डी गीली होगी। इस घटिया चीज पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो हड्डी कबड्डी? चुप रहो घोचू। मेरे मुंह पे कुछ है क्या? अरे ला, मुझे टॉर्च बना दिया। क्या सोचा था तुम दोनों ने, यहाँ छुपोगे तो तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। हड्डी का घटिया हथियार अब और भी घटिया हो गया है। इसे द रिपेयर एक ही आदमी कर सकता है, द परलोक का द इंजीनियर एक्स। और कौन है ये एक्स? एक्स वो है जो परलोक के सारे द डेंजरस हथियार बनाता है। वो तो ठीक है, पर हथियार के बिना वो जाएंगे कैसे? नॉट द प्रॉब्लम, ये देखो इक्का है मेरे पास। लेट्स गो, लेवल एक्स पे चलो और जरा द हरी अप। क्यों नहीं ये लो। लो पहुंच गए जी लेवल एक्स। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, मुझे पता था तुम आओगे। तो हड्डी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज मेरा हथियार द रिपेयर। ये तो होना ही था, 200 साल से इसे लिए घूम रहे हो इस घटिया हथियार को। तो कितना पुराना है ये? 200 साल, 300 साल? 16,000। इतने सालों में तो परलोक के इंजीनियरिंग विभाग ने बहुत तरक्की की है। आओ मैं तुम्हें कुछ नए अजब से औजार दिखाता हूँ। हमारा जानलेवा सेक्शन जहाँ तुम्हारे काम का सामान बनता है। कितना बदल गया है सब कुछ। और अब आपके सामने पेश करता हूँ सुपर टॉप सीक्रेट और सुपर फास्ट परलोक की सवारी, चले जमीन हवा पानी पे। इसका नाम है जेम्स कॉर्ब। कबड्डी देखो मैं हूँ जेम्स कॉर्न। पर ये कैसे, ये कहाँ से? जरा ध्यान से, कुछ तोड़ना नहीं। झुको, कहा था ना दांत तोड़ दो। लेकिन मुझे कोई जेम्स कॉर्न द कार नहीं चाहिए, प्लीज मेरा हथियार द रिपेयर। पर ये तो बहुत पुराना मॉडल है, नया मॉडल देख तो लो, अब देखने के पैसे तो नहीं लगते। अब चलो भी देख तो लो। पेशे खिदमत है हथियार नंबर वन। हेलो मिस्टर हड्डी, मेरा नाम है हथियार नंबर वन और मैं एकदम नए जमाने का हथियार हूँ। मेरे इतने सारे स्पेशल फीचर्स हैं कि मारने में और मजा आएगा। देखा देखा, मेरे साथ है फ्री मोबाइल और ईमेल फैसिलिटीज भी। हाँ, और उठाने के लिए एकदम लाइट, लेकिन मारता हूँ बहुत भारी। वही तो, ये हथियार नंबर वन सच्ची मुच्ची नंबर वन है। द वेरी इम्प्रेसिव, पर मुझे पुराना ही चाहिए, द रिपेयर इट। कितना द टाइम लगेगा? तो ठीक है हड्डी, मैं तुम्हें पुराना हथियार ठीक करके दे देता हूँ। उतनी देर में आप इसके साथ थोड़ा बाहर जाकर घूम फिराओ, अगर फिर भी ना पसंद आए तो कर देना वापस। ठीक है, वापस करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेट्स होप सो। हाँ वही तो, तुम्हें पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। चलो देखें घर भी ले जा सकता है कि नहीं। हाँ।
हड्डी आराम से क्यों बैठे हो? तो मैं और क्या करूं? ऐसे बैठोगे तो काम कौन करेगा? तो जल्दी सुनो, तुम्हें क्या करना है? गार्डन साफ करो, सारे सूखे पत्ते पेड़ों से तोड़ दो, टॉयलेट साफ करो, मुर्गियों को नहलाओ, कार वॉश करो, मेरा होमवर्क करो, दादी माँ के पैर साफ करो, मच्छी फ्राई करो, गाजर का सूप बनाओ, भेड़ों को चराओ, मेरे नाखून काटो, बिल्ली की नाक साफ करो, सारे घर के कपड़े धो और मेरे लिए घर बनाओ जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। शुरू हो जाओ वरना खाना नहीं मिलेगा। What a joke! ये तो जोक नहीं है। तुम्हारा कहना है कि तुम उसकी गुलामी करोगे, परलोक के हड्डी के ये दिन आ गए। Oh, no. Exactly. तुम्हारे ये दिन आ गए हैं। मेरे सारे काम पूरे हो गए ना? ओह, वो तो हो रहे हैं। द सुपर हथियार नंबर वन। हड्डी, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी भी कोई इज्जत है। ये रहा तुम्हारा ठंडा नींबू पानी विद आइस। मैंने सोचा भी नहीं था कि कपड़े धोने पड़ेंगे और टॉयलेट साफ करने होंगे, वरना मैं तुम्हें अपना मालिक ही नहीं बनाता। मैं तो सोच के आया था कि परलोक के हड्डी की लाइफ कितनी सुपर कूल होगी, लोगों को डराऊंगा और मारूंगा, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, उन्हें चूर चूर कर दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। हाँ, बस करो, इनमें से एक बकरी अभी घोड़ों के साथ रेस करने वाली है, तो डोंट डिस्टर्ब। हेलो हेलो मिस्टर हड्डी, कहाँ हो तुम? नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा, तुम बिल्कुल बुढ़े हो चले हो। द बकवास! तुम्हारी कमजोर हड्डियाँ अभी जान नहीं ले सकती, अब ये काम मुझे ही करना होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हारे उन शैतान दोस्तों की जान लूंगा। कौन है हड्डी? ओह, कोई नहीं। बाय मम्मी जी। अब आया हाथ में बुद्ध छुछुंदर। बड़ा कूल, जा रहा हूँ स्कूल। ओए मैंडे माँ, रुक जाओ। इतनी आसानी से नहीं बचोगे चूहे। अभी दिखाता हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है कोई डरावनी और खतरनाक चीज हमारा पीछा कर रही हो। तो मैं तो यूं ही पका रहा हूँ। हथियार नंबर वन, यही हमें मारना चाहता है। तुम लगते तो बेवकूफ हो पीली, लेकिन इस बार अकल की बात की है तुमने। अकल की बात क्या होती है? मेरे एरिया में मुझे कोई भी कंपटीशन नहीं चाहिए, इसलिए चुपचाप द थिन लेन से निकल जाओ। तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारा हथियार है हड्डी, मतलब मैं। ये वाला हथियार देखा है? हाँ, देखा ना गद्दारी का नतीजा। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे दिन भर गए हड्डी, तुम बुढ़े हो चुके हो। ये सब देख के मेरी पत्ती तो गुल हो रही है। इतना काम कराया मुझसे, मेरी इतनी बेइज्जती, अब बच के दिखाओ। अब मैं चैन से तुम दोनों की एक एक हड्डी तोड़ूंगा इत्मीनान से। को तोड़ के दिखाओ, इतने सालिम बच्चों की जान मेरे ही हाथों जा सकती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कम ऑन बच्चास। ओ तेरी, मैंने कहा था ना वापस आएगा हड्डी कबड्डी, जेम्स कॉन कार और पुराना हथियार। इतनी देर क्यों लगी? हड्डी, हमारी तो बैंड बज गई थी। बूट दवारी, ऐसे कैसे कोई मेरे बकरे मुझसे छीन के ले जाएगा? धन्यवाद। तो नए हथियार का क्या किया? उसके मरने का नंबर भी आ जाएगा। आउच! ये तो मेरी शेव करने के भी काम नहीं आता।